जिस भीड़ को जुटाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रैली के टिकट ही मुफ्त में बांट दिए, उस रैली में सीटें खाली दिखी। ट्रंप को मुफ्त में टिकट बांटना महंगा पड़ गया। अमेरिका के टिकटॉक यूजर्स और के पॉप यानी कोरिया के पॉप सिंगर्स के फैंस ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की रैली को उन्होंने फ्लॉप कर दिया। दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओक्लाहोमा में कोरोना महामारी के समय राष्ट्रपति चुनावों को लेकर अपनी पहली रैली के लिए टिकट मुफ्त में बांट दिए। उम्मीद ये थी कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बड़ी संख्या में के पॉप और टिकटॉक फैंस ने टिकट रिजर्व तो करा लिए, लेकिन रैली में पहुँचा कोई नहीं। अमेरिका में नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, इसी के प्रचार के लिए पहली रैली करने ओक्लाहोमा के टुल्सा पहुंचे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अमेरिका के युवाओं ने उनका बड़ा मजाक कर डाला। ट्रंप ने दावा किया था कि कोरोना महामारी के बीच यह सबसे बड़ी रैली होगी, इसे सफल बनाने के लिए इस रैली के टिकट भी मुफ्त में बांट दिए, लेकिन ट्रंप के विरोध करने वालों ने हजारों टिकट बुक कराए और फिर कोई नहीं पहुंचा। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के एक महीने बाद भी यहां विरोध प्रदर्शन नहीं रुक रहे, बल्कि उग्र होते जा रहे हैं। यहां करीब हर राज्य में ब्लैक लाइव्स मैटर के नारे गूंज रहे हैं। ट्रंप की रैली के फ्लॉप होने के बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया पर सामने आ गई। ट्रंप की रैली को फ्लॉप करने के लिए टिकटॉकर्स ने जानबूझकर ऐसा किया था, ये टिकटॉकर्स का खुद का कहना है। वहीं ट्रंप के कैंपेन मैनेजर ब्रेड पारस्केल ने ट्वीट कर विरोधियों पर आरोप लगाया कि मीडिया कवरेज से प्रभावित हुए प्रदर्शनकारियों ने रैली में समर्थकों को जाने ही नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने मेटल डिटेक्टर्स को ही ब्लॉक कर दिया, जिससे लोग अंदर ना जा पाए। वहीं यूएस की प्रतिनिधि हैं अलेक्जेंड्रिया, उन्होंने जवाब में कहा कि दरअसल आपको टिकटॉक के उन युवाओं ने फंसा दिया जिन्होंने ट्रंप कैंपेन के फर्जी टिकट रिजर्व कराए और आपको विश्वास दिलाया कि श्वेत श्रेष्ठता वाले कार्यक्रम में लाखों लोग कोविड के समय में भी शामिल होना चाहते हैं। रैली स्थल के बाहर ट्रंप के समर्थकों और विरोधियों में भिड़ंत भी हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारियों ने ब्लैक लाइव्स मैटर के नारे लगाए, शहर के केंद्र में स्थित मार्गों पर सैकड़ों लोगों ने मार्च किया और कई बार ट्रैफिक को बाधित किया, लेकिन पुलिस ने किसी तरह ट्रंप की रैली के समय हालात पर काबू पा लिया।